थोड़े दिन से मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए, कह रहे कि इस बार एजुकेशन विभाग ने ऐसा परिपत्र निकाला है जिसमें स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स एवं स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो दिवाली वेकेशन की छुट्टी थी उसको कम कर दी गई है। यानी वेकेशन में जो 22 दिन का वेकेशन हुआ करता था उसको 10-11 दिन में ही निपटा दिया जाएगा। ये एजुकेशन विभाग जो है हमारा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, उनके अधिकारियों को क्या लगता है कि ये सरकारी कर्मचारी इनके बाप के नौकर हैं या इनके गुलाम हैं? क्या क्या समझते हैं? क्या उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या सरकारी कर्मचारी होना कोई गुनाह है? क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ये दमन दीव में आए हुए दानिश आईएएस आईपीएस उनके जेब से जाती है? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो टीचर्स है या एजुकेशन विभाग में काम करने वाले कर्मी है, उनकी निजी जिंदगी नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनको दिवाली फेस्टिवल का वैकेशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बहाना, अलग अलग बहाना ढूंढ लेते हैं। एसएससी का एग्जाम का बहाना ढूंढ रहे हैं, अभी बोले नास की एग्जाम है इसलिए। तो पूरे देश में ये नास की एग्जाम नहीं होती क्या? पूरे देश की स्कूलों में एसएससी एचएससी की एग्जाम नहीं होती क्या? दमन दीव के लिए क्राइटेरिया अलग है और बाकी प्रदेशों के लिए क्राइटेरिया अलग है? हमारे पड़ोस में गुजरात में ये पूरा वैकेशन मिल रहा है, पूरे प्रदेश में हमारे ही यहाँ क्यों ऐसा? हाँ, जब सत्र समाप्त हुआ, सत्र समाप्त होने के बाद भी जो वैकेशन मिलना चाहिए था वो टीचरों को नहीं मिला। उसके बाद हमारा जो शेड्यूल्ड है, हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में क्रिसमस का भी वैकेशन रहता है और वो बाइफ्रिकेटेड है, इतनी छुट्टियां देनी ही होती है, तो वो भी लास्ट साल नहीं दी। अभी दिवाली वैकेशन भी आप नहीं दोगे? तो ये टीचर्स है या शिक्षण विभाग से जुड़े हुए लोग हैं जिनका परिवार कहीं जाना चाहता हो, घूमना चाहता हो, या कोई आयोजन करके बैठा हो, तो वो क्या करेगा? ये अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठ के, एसी चैम्बर में बैठ के कब तक ऐसे ऐसे फैसले लेते रहेंगे? कोई शर्म जैसी चीजें है कि नहीं है? तो मैंने आज हमारे एजुकेशन विभाग के अधिकारी को लेटर लिखकर कहा है कि ये जो दिवाली वैकेशन आपने काटा है उसको फिर से बहाल करें, और ये जो हमारे टीचर्स हैं या शिक्षण जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरा दिवाली का वेकेशन दिया जाए। बहाना मत बनाइए और ये तुगलकी फरमान मत थोपिए। हमारी सरकार भी कहती है कि बच्चों को भी पूरा पढ़ाई के वक्त के साथ साथ उनके वेकेशन की भी सुनिश्चितता होनी चाहिए। बर्डन फ्री एजुकेशन देना है, उसका मतलब ये नहीं है कि उन पर छाती पे चढ़ के उनको सिखाना है। उनके भी परिवार ने कुछ प्लानिंग की होगी उन बच्चों को घुमाने की फिराने की, और पूरे देश में ही ये शिक्षण जगत से जो जुड़े हुए नियम हैं वो एक समान होते हैं। तो दमन दीव के लिए और दादरा नगर हवेली के लिए कृपया करके अलग से नियम मत बनाइए। आप लोग तो ऐसे करोगे, खाओगे पियोगे ऐश करोगे, अपने परिवार के साथ ताकड़ धिन्ना करते हो, गवर्नमेंट की सैलरी के साथ साथ मावा मिठाई सब कुछ आपको तो मिल जाता है, गाड़ियाँ मिलती है, बंगला मिलता है, हाँ, अब और विशेष छुट्टियाँ मिलती है। हमारे प्रदेश के लोगों के साथ ऐसा दुर्भाव से काम मत किया करो। आपको जो पगार मिलती है वो हमारे लोगों की ही बदौलत आपको पगार मिलती है। उम्मीद करता हूँ प्रशासन मेरी बातों पर संज्ञान लेगा और हमारे लोगों की भावनाओं को समझकर उनके साथ न्याय करेगा। और ये पत्र मैंने दमन दीव के प्रशासन को ही नहीं, मैंने मंत्रालय में बैठे हुए मिनिस्टर जी को भी पत्र लिखकर ये अन्याय के बाबत पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। धन्यवाद।